नमस्कार मेरा नाम सुमित सिंह मेहता हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रो डायनामिक से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर थर्टी थ्री और आज का जो तो लेक्चर होने वाला है हमारा वो बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्यों क्योंकि आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या है पॉइजन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन है जो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है अदा करती है तो एक एक करके आज हम पहले क्या देखेंगे पॉइजन इक्वेशन क्या होती है उसे देखेंगे फिर लाप्लास इक्वेशन क्या होती

और एक मुस्कान के साथ हेडिंग डालो क्या पॉइजन इक्वेशन ठीक है हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं कोई बात नहीं ठीक है हमें क्या करना है हमारे स्पेलिंग सही होनी चाहिए और जो हमारा एम है वो मुझे पता होना चाहिए कि पॉइजन इक्वेशन क्या होती है तो हेडिंग डालो यहां पर क्या पॉइजन इक्वेशन पॉइजन पॉइजन इक्वेशन क्या होती है पॉइजन इक्वेशन ठीक कुछ लोगों को पता होगा जिन लोगों को पता नहीं है तो लिखते हैं ठीक है तो थोड़ा ऐसे लिखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा मेरे को तो मैं उसको लिखते भी चलता हूं और बोलते भी चलता हूं और आपको क्या आने वाला है सब समझ में आने वाला है उसकी टेंशन आप मत लो ओके तो यहां पर लिखो सिंस नो सिंस वी नो ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एनी point can be written as can be written as written as gradient of gradient of potential at that point gradient of potential at that point ठीक है जो मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी में लिखा इसका मतलब क्या हुआ दैट इज जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है वो क्या होता है मेरे पास माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी होता है ये हमने पढ़ा है ये भी तो डिस्कस कर रहे थे हम पिछले तीन चार लेक्चर से इसी इसी बात तो चल रहा है हमारा ठीक है यानी दिस ई इज माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी वी क्या है यहाँ पर पोटेंशियल है ई e क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सेट क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर जो वी है वो क्या है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो ई e वेक्टर है वो क्या है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सब हम जानते हैं तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर होगी इतनी बात ओके okay. नाउ एक चीज और जानते हैं हम फ्रॉम गॉस गोसलॉ ऐसे लिखो यहां पर हैश टैग गुना के लिखो फ्रॉम फ्रॉम गॉस लॉ या फिर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम डिफरेंशियल 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 फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ गोशियस लॉ गोशियस लो, वी है। हमारे पास क्या होता है बताओ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होती है हमारे पास कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू यहां बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ठीक है नाउ यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो क्या है कांस्टेंट है रो क्या है यहां पर दिस इज चार्ज डेंसिटी इट रो क्या है हमारी चार्ज डेंसिटी है हियर रो इज चार्ज डेंसिटी एंड वी ऑलरेडी नो इट

डाइवर्जेंस ऑफ ई की जो कितना आ देखो? E की जो आ, आ जाएगा जाएगा देखो, की अब माइनस वन है यानी constant है तो इसको मैं यहां से निकाल के यहां लिख सकता हूं हां जी लिख सकता हूं तो यहां मेरे पास डेल डॉट कितना जाएगा ये डेल वी इज इक्वल टू कितना माइनस का रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा एंड इक्वेशन नंबर थ्री इसे क्या दो इक्वेशन नंबर थ्री बोल दो ओके अब देखो ये जो मैंने यहां पर डेल लिख रखा है एक्चुअल में ये है क्या दिस इज डेल ऑपरेटर ये चीज़ क्या होता है डेल ऑपरेटर होता है और हमने बेटर नॉलेज में पढ़ा था कि ये डेल ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है कि थोड़ा बहुत याद है बार लिखने की कोशिश करो अपने अपने कॉपी में कि डेल ऑपरेटर इज डिफाइन एज सिंस वी नो यहीं लिख दो मैं सिंस वी नो जो डेल ऑपरेटर होता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं दिस इज आई कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स प्लस का जे कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई फिर प्लस का कैप पार्सल ओवर पार्सल जेड ऐसा डिफाइन करते नहीं करते तो जो डेल ऑपरेटर यहां पर है यह भी डेल है यह भी डेल है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो यहां पर जहां जहां डेल है उनके जो ये पुट कर सकता हूं मैं तो नाव इक्वेशन वन इक्वेशन थ्री बीकॉम नाव इक्वेशन थ्री बीकॉम्स इक्वेशन थ्री क्या बन जाएगी इसको जो पुट कर दोगे इसके आज मेरे पास कितना आई कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स प्लस का जे कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई फिर प्लस का के कैप कितना यहाँ क्या है, है? है फिर कितना आ जाएगा? का मतलब क्या हो जाएगा पार्सल ओवर ऐसे लिखो आई कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स फिर प्लस का कितना आ जाएगा जे कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई फिर प्लस का कितना आ जाएगा के कैप पार्सल ओवर पार्सल जेड और फिर यहां कितना आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया ये रो डिवाइडेड बाई अबसाइन एंड नॉट आ गया ठीक है इतना क्लियर हुआ अब देखो पहले इसे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा देखो ये तो ऐसे ये तो रहा दिस इज आई कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स फिर प्लस का जे कैप पार्सल ओवर पार्सल y फिर प्लस का k कैप पार्सल ओवर पार्सल जेड फिर डॉट प्रोडक्ट देखो वी सबके साथ होगा बिकॉज वी जे फंक्शन थ्री डायमेंशन में तो वी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होगा तो इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आ जाएगा ठीक कितना आ जाएगा ये दिस इज आई कैप पार्सल एक्स फिर प्लस का जे कैप पार्सल पार्सल वाई फिर प्लस का के कैप कितना आ जाएगा

कितना 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 आ आ आ आ गया गया divided by आ गया गया ये नॉट देखो सबसे है भी के बाहर ले लो तो अंदर कितना बच जाएगा अंदर बच जाएगा मेरे पास कितना पार्सल स्क्वायर ओवर पार्सल एक्स स्क्वायर फिर प्लस का पार्सल स्क्वायर ओवर कितना आ गया ये पार्सल वाई स्क्वायर फिर प्लस पार्सल स्क्वायर ओवर कितना आ गया ये पार्सल स्क्वायर और यहां पर कितना आ गया एंड दिस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय नॉट आ गया, गया। ठीक है तो लिख रखी है इस चीज को हम क्या बोलते हैं हमने पढ़ा था ये क्या है? है, हमने कहां पढ़ा था analysis, analysis में पढ़ा था तो यहां पर जो चीज लिखी है ये क्या है मेरे पास डेल ये ये क्या है? है तो दिस थिंग नोन एज लाप्लाशियन इसे हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं लाप्लाशियन ओके तो लाप्लाशियन ऑपरेटर बोल दो लाप्लाशियन ऑपरेटर इसे क्या बोलते हैं हम लाप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जब ये लाप्लाशियन ऑपरेटर किस पर आ, किस पर ऑपरेट होता है पोटेंशियल पर ऑपरेट होता है तो आंसर क्या आता है लिख मैंने, मैंने साइन भी था ना

पॉइजन इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन देखो इसको मैं सिंपल यहां पर भी सॉल्व कर सकता था डेल डॉट डेल इक्वल टू कितना डेल स्क्वायर आ जाता ठीक है यहां पर भी यहां से यहां कूद मार सकता था लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब Uh, मतलब समझना होता है कि कैसे आ रहा है सब कुछ तो उनके लिए क्या है ये चीज है और जिनको मतलब सीधे सीधे यहां से अनुमान लग जा रहा है कि डेल डॉट डेल कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर हो जाएगा तो यहां से सीधे कहां कूद सकते हैं यहां भी जंप मार सकते हैं ठीक है क्लियर इतनी बात तो, तो दिस इज नॉन एज पॉइजन इक्वेशन तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है हमारी पॉइजन इक्वेशन कहलाती है एक चीज मैं यहां पर अगर मैं इक्वेशन फोर और इक्वेशन टू को देखो इक्वेशन फोर और इक्वेशन टू को देखो तो यहां पर रो नोट की वैल्यू कितनी है ऑफ़ ई e के बराबर है नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर वी गेट देखो हमें क्या मिलेगा यहां से कि लाप्लासियन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू किसका आ जाएगा मेरे पास माइनस का ये माइनस साइन आएगा एंड दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई निकल के आ जाएगा तो यहां से मेरे पास क्या पता चल रहा है कि लाप्लाशियन ऑफ वी या पोटेंशियल किसके बराबर होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है अलोंग विथ माइनस साइन ओके तो यहां पर लिख दो आप कि लाप्लाशियन ऑफ पोटेंशियल लाप्लाशियन ऑफ पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इज इक्वल टू डायवर्जेंस ऑफ डायवर्जेंस ऑफ ई एलोंग विथ अलोंग विथ ने विथ नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन के साथ ठीक है तो यहां पर डायवर्जेंस सॉरी लापलाशन ऑफ ही इक्वल टू कितना आ गया माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ ई निकल गया कितलर हुई बात तो यह तो क्या हो गया हमारा यहां पर पॉइजन इक्वेशन हो गया ना इसी को अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरा जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है जीरो है अगर मैं ये बोलू यानी चार्ज वहां पर नहीं है देर इज नो चार्ज चार्ज डेंसिटी जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो चार्ज इफ देयर इज नो चार्ज तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी यहां पर इफ अवर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो कि हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी हो जाए जीरो हो जाए तब क्या होगा तो लिख के चलो इफ चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो इफ ऐसे हैशटैग बना के लिखो इफ चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इज जीरो जीरो दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि रो इक्वल टू कितना है जीरो है यानी <coughs> अगर रो की वैल्यू जीरो हो गया देन इक्वेशन फोर बिकम तो यहां पर लिखो देन इक्वेशन फोर बिकम्स तब इक्वेशन फोर क्या बन जाएगा मेरे पास देखो ये बन जाएगा मेरे पास कितना लाप्लाशन ऑफ v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा और ये जो इक्वेशन लिख रखी है इसी को इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं लाप्लास गया <laughs> गया लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं लिखा था मैंने मैं ढूंढ रहा हूं उसको।, उसको क्या बोलते हैं, हैं। ठीक तो okay? है इन्हीं के नाम पर है ठीक है लाप्लास के नाम पर है ठीक है जो लाप्लासन ऑपरेटर है वो इन्हीं के, तो के नाम पर है ओके क्लियर हुई बात की लापलाशन लाप्लास इक्वेशन क्या होती है ये होती है कि लापलाशन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है जीरो होता है ये किसने बताया लाप्लास ने बताया तो इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया लाप्लास इक्वेशन हो गया ठीक कि बाद ना अब इससे काम नहीं चलता क्यों काम नहीं चलता क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल दिया होता है किसके फॉर्म में दिया होता है या तो हमको वो कार्जन कॉर्डिनेट सिस्टम में दिया होगा या तो पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा या फिर वो आर थीटा फाइव का फंक्शन होगा यानी स्पेलर कॉर्डिनेट सिस्टम में होगा या, हो हो या पोटेंशियल पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा एस फाइव जेड का फंक्शन होगा यानी वो किस कहाँ होगा यानी सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम होगा इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या तो इन yeah, बोल सकते हैं कि जो रो है हमारा इस पर्टिकुलर केस में जो रो है हमारा वो तो यहाँ तो किसका फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है या फिर जो रो है हमारा वो किसका फंक्शन हो सकता है आर थीटा फाइव का फंक्शन हो सकता है या फिर एस फाइव जेड का फंक्शन हो सकता है यानी यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी हो सकती है स्पेरिकल सिमेट्री भी हो सकती है ठीक है या फिर कोई एक लाइन सिमेट्री भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इस डेल ऑपरेटर को सॉरी इस लाप्लाशियन ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा अलग अलग जो हमारे पास क्या होता है कॉर्डिनेटर सिस्टम होते हैं उनमें लिखना पड़ेगा और हमने यह काम पहले भी एक बार किया हुआ है अब थोड़ा बहुत अगर आप भूल गए हो तो एक बार और कर दें तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लिखो कि लाप्लाशियन ऑपरेटर इन डिफरेंट कॉर्डिनेट सिस्टम वैसे हैस्टैग बना के लिखो लाप्लाशियन ऑपरेटर लाप्लाशियन ऑपरेटर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके सबसे पहले इन जनरल पहले कहाँ लिखो इन जनरल लिखो इन जनरल इन जनरल केस अगर पता है हमको तो उसको हम किसी के लिए भी एक स्पेशल केस के लिए क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो इन जनरल हमारे पास क्या होता है देखो एक्चुअल में है मेरे पास क्या कि ऐसा कुछ है मेरे पास कि यह चीज है क्या चीज है ऐसी कुछ चीज है देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं इसे ये लिख सकता हूं मैं डेल डॉट डेल लिख सकता हूं आंसर है हां ऐसा लिख सकता हूं ओके डेल hmm. डॉट डेल तो यहां पर मुझे कुछ ना कुछ फंक्शन लेना ही पड़ेगा तो वी ले लो फंक्शन में ठीक बिकॉज विदाउट फंक्शन दिस ऑपरेटर हैज नो मीनिंग जब तक यहां पर कोई फंक्शन नहीं है इसकी कोई मीनिंग नहीं है इस अकेले की कोई मीनिंग नहीं है जब यहां पर पोटेंशियल लगा तभी ये आया ठीक है तो अगर यहां पोटेंशियल नहीं है खाली ये है तो इसे कोई मीनिंग नहीं है देखो इसकी क्या मीनिंग है इसकी कोई मीनिंग है ये क्या है, एक ऑपरेटर है ना इसको हम एडिशन बोलते हैं इसी कोई तो, है? है? कुछ कुछ तो यहां मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कुछ ऐड करना पड़ेगा तो मैंने क्या ऐड कर लिया जो पोटेंशियल हम लेके चले हैं वही ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर रख दिया ओके? तो इसे क्या लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं कि डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं ओके ना अब देखो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ v इन जनरल कैसे लिखते हैं वो देखो पहले देखो इसको ऐसे रहने दो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ v को इन जनरल कैसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं देखो 1 ओवर h1 एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल u1 और यहाँ क्या आता है u1 कैप फिर प्लस कितना होता है 1 ओवर h2 एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल u2 और यहाँ क्या आता है u2 कैप ओके okay. क्या है अभी डिस्कस करेंगे वैसे पता है आपको को. लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेंगे तो एस थ्री और ये कितना आ जाएगा पार्सल भी ओवर कितना आ गया पार्सल यू थ्री और ये कितना आ जाएगा यू थ्री कैप आ जाएगा नहीं आ जाएगा आंसर है हाँ आ जाएगा देखो ये चीज क्या है वेक्टर है ये पूरा वेक्टर है और ये क्या है इसका कॉर्डिनेट अलाउंगू वन डायरेक्शन और ये क्या है कॉर्डिनेट अलाउंग या फिर कंपोनेंट अलाउंग यू टू डायरेक्शन और ये क्या है इसका Component along u3 direction. तो इसका क्या निकालना है? है? इस का क्या निकालना क्योंकि ग्रे, निकालेंगे तो निकल के आएगी. अब इस का क्या निकालना है मेरे को पास कितना है देखो पार्सल फिर टर्म कितना आ जाएगा देखो इसके साथ क्या आएगा एच वन एच वन नहीं आएगा कितना आएगा एच टू एच थ्री और ये वाला कितना नीचे कितना आ जाएगा एच वन और ये हो मेरे और जाएगा मेरे पास कितना पार्शियल वी ओवर कितना आ जाएगा पार्शियल यू वन आ जाएगा ठीक है फिर देखो फिर प्लस कितना हो जाएगा दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल यू टू और अंदर कितना बच जाएगा एच वन एच थ्री और नीचे कितना आ जाएगा एच टू और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा पार्शियल वी ओवर कितना आ जाएगा पार्शियल यू टू आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया ठीक है फिर यहाँ पर प्लस का पार्शियल ओवर पार्शियल यू थ्री और अंदर कितना बच गया देखो दिस इज एच वन एच टू और नीचे कितना आया एच थ्री एंड दिस इज पार्सल वी ओवर कितना आ गया पार्सल यू थ्री एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस बड़ा ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज ठीक है तो दिस थिंग इज इन जनरल दिस इज डेल स्क्वायर वी अगर दिख रहा है तो इधर ठीक है यू क्या निकल गया मेरा डेल स्क्वायर वी निकल गया इन जनरल डेल स्क्वायर वी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना क्वेश्चन है कि एच वन एस टू एस थ्री क्या है तो एच वन एच टू एस थ्री और यहां लिखो क्या सबसे सब पहले बात करते हैं कहां पर इन कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है वन होता है ये भी वन होता है ये भी कितना होता है वन होता है और यू वन यू टू थ्री कॉर्डिनेट होता है यानी वाई कॉमा जेड ये होते हैं और ये किस में कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टिजन कोऑर्डिनेट फिर स्फेरिकल में देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना होता है ये क्या होता है वन होता है और ये क्या होता है आर होता है और ये क्या होता है आर साइन थीटा होता है ठीक है और यहां पर ये क्या होता है आर होता है और ये क्या होता है थीटा होता है और ये क्या होता है फाइव होता है ठीक है और अगर मैं बात करूंगा इसकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूं तो ये तो वन होता है और ये एश होता है और ये कितना होता है वन होता है और यू वन कितना होता है एश होता है यू टू कितना होता है फाइव होता है और यू थ्री कितना होता है जेड होता है ठीक है अगर आपको ये चीज़ पता है ये ये वाली चीज याद है तो इन सबकी वैल्यू फॉर ए डिफरेंट सिस्टम मैं मुठाकर यहाँ पुट कर दूंगा उस सिस्टम के लिए मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा ये जो मेरे पास डेल स्क्वायर वी है वो निकल के आ जाएगा ठीक है सिंपल सी केस हुआ मतलब सिंपल सी बात हुई ओके तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं ओके तो लाप्लास इक्वेशन की बात करें कि लाप्लास इक्वेशन इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले क्या इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले लिखो यहां पर क्या लाप्लास इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो क्या हो जाएगा देखो तो यहां से मेरे पास डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है जीरो होता है इन जनरल ठीक है इन जनरल ऐसा होता है अगर मैं किसकी बात करूं इन कार्डन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो यहां पर इस इक्वेशन में मुझे क्या रखना पड़ेगा एच वन एस टू एच थ्री वन पुट करना पड़ेगा तो ये तो पूरा वन हो जाएगा तो यहां से मेरे पास ये तो वन हो गया तो ये कितना आएगा दिस इज और ये टू तो पूरा टर्म वन और ये वन मतलब ये जो एच वन एच टू एच थ्री सब वन है ना तो इनका तो कोई यहां पर रोल ही नहीं हुआ तो सिंपल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास कितना डेल स्क्वायर भी ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्योंकि ये इसके साथ होगा तो डेल स्क्वायर भी हो जाएगा ठीक ओके okay, फिर कितना आ जाएगा फिर प्लस का आ जाएगा कितना मेरे पास डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर वी ओवर कितना आ जाएगा डेल डेल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो करा रहेगा मेरे पास जीरो बराबर आएगा तो दिस थिंग इज लाप्लाशियन लाप्लास इक्वेशन इन कार्डिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम अब बात करते हैं कहां पर लाप्लास इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है भैया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन क्या होगा बताओ क्या होगा तो सिंपल हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए या तो पता होना चाहिए या फिर ड्राइव कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए ठीक है तो क्या करोगे देखो तो यहां से मेरे पास देखो एच वन एच टू एस थ्री आर और आर साइन थीटा है तो कितना आ जाएगा ये वन ओवर

एच वन एस थ्री एच वन एस थ्री का मतलब कितना हो गया आर साइन थीटा आ गया कितना आ गया आर साइन थीटा और नीचे कितना आ जाएगा एच टू आ जाएगा और एच टू क्या है मेरे पास आर है तो अपॉन में कितना आ गया आर आ गया इस आर से यह आर कैंसिल हो जाएगा ठीक तो इसको तो रहने दो आर को उड़ाई दो ठीक है शॉर्ट मार दो मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ इतना तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा मेरे पास साइन थीटा बचेगा यहाँ क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास साइन थीटा बचेगा और अंदर कितना बच जाएगा उसके बाद फिर ये वाला आ जाएगा यानी पार्सल भी ओबर कितना आ गया ये पार्सल थीटा आ गया ओके एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज फिर कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा ये और फिर पार्सल ओवर पार्सल फाइव पार्सल ओवर पार्सल फाइव ये वाला आएगा फिर एच वन एच टू एच वन एच टू यानी ऊपर कितना बचा आर बचा ऊपर आर आया नीचे कितना आया आर साइन थीटा और आर से आर कैंसिल तो नीचे कितना बचेगा जाएगा यहां पर वन ओवर साइन थीटा कितना आया वन ओवर साइन थीटा आ गया और अंदर कितना बच गया पार्सल वी ओवर कितना आया पार्सल फाइव एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस ब्लॉक ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू जीरो क्या निकल गया मेरे पास लाप्लाशियन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा निकल के आया लापलाशिन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम निकल के आ गया उस तरीके से अगर ये पूछे आपको कि पॉइजन इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सिर्फ क्या करना है की जगह माइनस का रो ओवर नॉट लगा देना है यहां पर भी वही करना है माइनस का रो ओवर नॉट पुट कर देना है ठीक है अब बात करते हैं यहां पर लापलाशिन लापलाशिन हो लापलाशिन लापलास इक्वेशन लापलाश इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम इन सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम कि सिलेंडर कॉर्डिनेट सिस्टम में हम लापलास इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ओके okay, तो अगेन सिलेंडर को जनरल फॉर्म यह है और सिलेंडर कॉर्डिनेट सिस्टम के लिए सॉरी सॉरी यार एच वन एस टू एस थ्री इधर रखें और यू वन यू टू यू थ्री इधर रखें उठा के यहाँ पुट कर दो क्या निकल के आ जाएगा लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम निकल के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा देखो दिस इज वन ओवर एस तो बाहर रहा तो वन ओवर एस बाहर है और अंदर कितना बच जाएगा देखो ये बच जाएगा मेरे पास पार्सल ओवर पार्सल एस और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा एच टू एस थ्री यानी कितना आ जाएगा एस आ जाएगा यहाँ पर और अंदर कितना बच गया ये आ गया मेरे पास पार्सल वी ओवर कितना आ गया पार्सल एस आ गया फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का साइन आएगा फिर पार्सल ओवर पार्सल फाइव हो जाएगा अंदर कितना बच जाएगा Uh, h1s3 यानी 1 हो जाएगा सिंपल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और अंदर कितना बच गया यहाँ पर पार्शियल phi पार्शियल v ऊपर कितना आ गया पार्शियल phi आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड फिर कितना हो जाएगा देखो प्लस uh, का दिस थिंग इज पार्शियल ओवर पार्शियल z और अंदर कितना आया मेरे पास अंदर है मेरे पास कितना h1s2 h1s2 यानी कितना हो गया s हो गया और फिर कितना आ जाएगा पार्सल भी ओवर पार्सल यू थ्री यानी पार्सल कितना आ गया पार्सल जड आ गया एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा विद ब्रैकेट क्लोज ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा क्लोज हो जाएगा तो ये क्या निकल गया मेरे पास लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम दिस इज लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज लाप्लास इक्वेशन इन कार्ड्रोजन कॉर्डिनेट सिस्टम क्लियर हुई इतनी बात ओके okay. नाउ आई होप यहां तक आपको क्या आया होगा समझ में आया होगा कि लाप्लास इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं या फिर पॉइजन इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं पॉइजन इक्वेशन में अगर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इज़ द पॉइजन इक्वेशन इन सिलेंटिकल सिस्टम एंड स्पेरल कॉर्डिनेट सिस्टम एंड सिस्टम आपको सिर्फ कितना चेंज करना है कि यहां पर जीरो को जो क्या रखना है माइनस का रो ओवर साइन नॉट ही क्या करना है पुट करना है इन तीनों इक्वेशन में इन इक्वेशन को कुछ नाम दे दो तो इस, इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर वन सॉरी वन हो गया था ना कितनी इक्वेशन हो गई थी पांच इक्वेशन हो गई थी या इसको ए बी सी बोल दो ठीक है इसको ए बोल दो इसको क्या बोल दो बी बोल दो सी बोल दो इफ इफ एनी वन आस्क यू ऐसे लिखो इफ एनी वन एनी वन आस्क यू आस्क यू टू राइट टू राइट पॉइजन इक्वेशन पॉइजन्स इक्वेशन इन इन कार्टेजन कॉर्डिनेट सिस्टम इन कार्टेजन इन कार्टेजन कॉमा सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल सिस्टम सिस्टम देन देन यू हैव टू यू हैव टू राइट 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 माइनस का रो डिवाइडेड बाय एब्सर एंड नॉट इन इक्वेशन ए बी सी इन इक्वेशन ए बी एंड सी इन प्लेस ऑफ जीरो इन प्लेस ऑफ जीरो ठीक है जीरो को जो क्या पुट करना है हमको माइनस रो ओवर एफसाइन क्या कर देना है पुट कर देना है तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास लाप्लास इक्वेशन सॉरी पॉइजन इक्वेशन स्लेंडर कॉर्डिनेट सिस्टम स्पेर कॉर्डिनेट सिस्टम एंड कार्डन कॉर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा ठीक है क्लियर है इतनी बार ओके okay. अब आता है क्या एक इंपॉर्टेंट चीज वो होता है हमारे पास क्या सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन अब लाप्लास इक्वेशन यहां पर क्या है मेरे पास ये डेल है यानी ये डायमेंशनल है तो फिर जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो कि, आ, कितने डायमेंशन का होगा थ्री डायमेंशनल केस होगा यानी थ्री डायमेंशनल सोल्यूशन मुझे इसका फाइन करना पड़ेगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल से रिलेटेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोटेंशियल या तो मेरा एक्स डायरेक्शन में होगा या वाई डायरेक्शन में होगा या फिर जेड डायरेक्शन में होगा यानी और इसको और अच्छे म, अच्छे तरह तो से बोलू मैं ये बोलूंगा कि पोटेंशियल आ तो किसका फंक्शन होगा एक्स का या फिर वाई का या फिर जेड का अगर मैं यहां बोलूँ या तो पोटेंशियल आर का फंक्शन होगा या फिर थीटा का फंक्शन होगा या फिर किसका फंक्शन होगा फाइ का फंक्शन होगा अगर मैं यहां बोलूँ पोटेंशियल आ तो एक्स का फंक्शन होगा या फिर फाइ का होगा या फिर किसका होगा जेड का होगा यानी वन डायमेंशनल जो सॉल्यूशन होता है लाप्लास इक्वेशन का वो हमें ज्यादा पूछा जाता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं बसरते टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन ठीक है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं वन डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन से पूछे जाते हैं अब देखो सोल्यूशन का क्या मतलब हो यहाँ से ये कैसी इक्वेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना पड़ेगा हमें सोल्व करने का करना पड़ेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो आपने क्लास ट्वेल्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ठीक है जहां पर लीनियर डिफरेंशियलेशन आपने क्या की थी सॉल्व की थी और अभी आप बीएससी में भी क्या कर रहे होंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सोल्व कर रहे होंगे अगर आप एमएससी में है तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको वो पता है ना अब हम क्या करेंगे इन तीनों में जो मेरे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर उसके बाद सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तीनों जगह क्या करेंगे वन डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ किसका क्या चीज़ है ये लाप्लास इक्वेशन क्या करेंगे फाइंड करेंगे तो डालो क्या यहां पर सॉल्यूशन फिर वन डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन वन डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन सबसे पहले कहा देखते हैं इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसके लिए हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा तो लेटस कंसीडर, जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसा है वन डायमेंशनल है और ऐसा एज्यूम करो कि वो किसका फंक्शन है ओनली ऑन एक्स का फंक्शन है तो ले ले है, वो लेटस कंसिडर लेटस Consider, जो पोटेंशियल वी है दिस इज फंक्शन ऑफ वी एक्स ओनली किसको दिखा रहा है equation, क्या हो देखो, ये दो जीरो हो तो ये वाला सिर्फ तो कितना आ जाएगा देखो तो दिस इज डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना जाएगा? जीरो आ जाएगा ठीक है ना इसको मैं ये लिख सकता हूं पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ पार्सल वी ओवर पार्सल एक्स है, है, मतलब जीरोग्रेट कर दो ऑन इंट्रीगेटिंग ऑन इंटरगेटिंग टू समी वन ऐसा होगा नहीं होगा अगर इस ये क्वान्टिटी है इसका, इसका मतलब ये क्वान्टिटी क्या है कॉन्स्टेंट है और जुम्मन करे वो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी क्या है मेरे पास सी वन है ओके तो यहां से मेरे पास डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी वन इंटू कितना डी एक्स आ जाएगा अगेन सॉरी अगेन अगेन डिफ्रेंशियन इंटरग्रेटिंग दोबारा इंटीग्रेट कर दो क्या आ जाएगा बताओ यहां से मेरे पास इंटरग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी वन इंटू डी एक्स ऐसा कुछ हो जाएगा तो यहां करें आप तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू देखो सी वन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा ये सी कितना आ जाएगा ये c2 आ हिस्सा सी वन एंड सी टू आर कॉन्स्टेंट अब इन कॉन्स्टेंट को फाइंड करना पड़ेगा तो ये कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड करेंगे हाँ हमें कुछ क्या दी होंगे बाउंड्री कंडीशन दे रखी होंगी उन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे c1 और c2 क्या करेंगे फाइंड करेंगे ठीक है तो c1 वन एंड सी फाइंड आउट फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन c1 वन एंड सी कैन बी फाउंड आउट फाइंड आउट फाउंड आउट फाइंड आउट कुछ लिख दो फाइंड आउट ठीक है जो भी होता है वो 10 की tension आपको लेनी है ठीक है मेरे को बताना है सिर्फ सी वन एंड सी टू कैन बी फाइंड आउट बाई गिवन बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री कंडीशन ठीक है गिवन बाउंड्री कंडीशन ओके तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन इन कार्डियन कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन आवर

जूम करो कि लेट अस कंसीडर कि जैसे यहां पर सिर्फ x का फंक्शन था तो यहाँ पर कर लो वो सिर्फ किसका फंक्शन है r का फंक्शन है तो लेट अस कंसीडर कि दिस पोटेंशियल v इज फंक्शन ऑफ ओनली r क्योंकि सिर्फ हम वन डायमेंशन की बात करना चाह रहे हैं तो सिर्फ किसका फंक्शन है r का या फिर थीटा का फाई का किसी का भी ले सकते हैं लेकिन हमने किसका ले रखा है आर का ले रखा है ठीक तो है तो लेटस कंसिडर की अवर पोटेंशियल इज ए फर किसका फंक्शन है आर का फंक्शन है

पोटेंशियल uh, है वो किसका फंक्शन है ओनली ऑन एस का फंक्शन है क्योंकि वन डायमेंशनल केस देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो बाकी टर्म है वो जीरो हो जाएंगे ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाएगा तो बचेगा कौन सा वाला सिर्फ वाला बचेगा तो ऐसे मेरे पास कितना आ गया वन ओवर एस पार्सल ओवर पार्सल एस और अंदर कितना बच गया ये एस पार्सल वी ओवर कितना आ गया पार्सल एस एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो ओके okay? तो दिस इज द लाप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशनल इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है बात तो ये एस इधर आगे जीरो हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा पार्सल ओवर

ना अब यहां पर मैं कभी कभी डेल देख दे रहा हूं कभी डी वी व डी डी एस लेते रहता हूं देखो इसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि पोटेंशियल सिर्फ किसका फंक्शन है एस का फंक्शन है अगर यहाँ पर एस के अलावा किसी और चीज़ का फंक्शन भी होता एस के साथ साथ फाई का फंक्शन भी होता तब मुझे यहां पर सिर्फ पार्सल लिखना पड़ता लेकिन अभी इन दोनों की मीनिंग क्या है सेम है अभी इन दोनों की मीनिंग क्या है सेम है बिकॉज दिस एस इज फंक्शन ऑफ ओनली

और वन ओवर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एस होता है तो दिस इज सी वन तो कितना आ गया बेस e और प्लस कितना आ जाएगा ये, C2 हो जाएगा ये हो और इस केस में भी जो C1, C2 हम फाइंड करेंगे किसके हेल्प से फाइंड करेंगे जो हमें गिवन क्या होगी बाउंड्री कंडीशन होगी उसके हेल्प से क्या कर देंगे हम सी वन और सी टू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे ठीक है इतनी बात क्लियर है तो ये क्या हो गया हमारा आज का लेक्चर हो गया कि लाप्लास इक्वेशन क्या है पॉइजन इक्वेशन क्या है और लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन हम वन डायमेंशन में किस तरीके से फाइंड करते हैं टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में इसका सॉल्यूशन होता है लेकिन हमारे जो क्वेश्चन निकल के आते हैं जो जैम में क्वेश्चन आते हैं जो हमारे बी में क्वेश्चन आते हैं वो किससे निकल के आते हैं हमारे पास डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्या लाप्लास इक्वेशन से निकल के आते हैं यही चीज किसके लिए हो जाएगा मेरे पास पॉइजन इक्वेशन के लिए भी हो जाएगा बस वहां पर यह चीज जीरो न होकर क्या हो जाएगी कुछ और होगी यानी कितनी होगी वो रो डिवाइडेड डिडेड नॉट हो जाएगी ठीक है कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड वहां पर हम अगेन इन सॉल्यूशन के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे जो कि हम कहां करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ओके मैं कम से कम चार से पांच क्वेश्चन लाऊंगा जो क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ओके और उसमें हमारे पास क्या होगा कहीं कहीं पर जो हमारा पॉइजन इक्वेशन है वो यूज हो रहा होगा और वहां पर हम देखेंगे कि पॉइजन इक्वेशन का सोल्यूशन हम किस तरीके से क्या करते हैं फाइंड करते हैं ठीक तो आज के लिए बस इतना ही और इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया हो सकता है कहीं पर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो या फिर टफ लग रही हो तो आप मुझे मैसेज करके क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है कुछ बच्चे कॉल भी करते हैं वो भी क्या लगता है अच्छा लगता है और उनका कॉल उठाता भी हूँ अगर मैं बिजी नहीं हूँ या बोल सकता है कॉल में जनरली उठाता ही हूँ कॉल में कब नहीं उठाता जब मेरा मोबाइल क्या होता है साइलेंट पर होता है साइलेंट का मतलब मोबाइल साइलेंट पे है इसका मतलब क्या है मैं अभी उसके पास नहीं हूँ या फिर मुझे उस मोबाइल की ज़रूरत नहीं है उससे मैं दूर हूँ उससे दूर होने का रीज़न क्या है यानी मेरे पास कोई और काम है मैं उस और काम को कर रहा हूँ तो उस समय मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर सकता लेकिन हाँ जिस समय मेरी रिंग बचती है यानी वो साइलेंट पर नहीं होता है उस समय मैं आपका कॉल क्या क्या करता हूँ जरूर से उठाता हूँ ठीक है कुछ बच्चों को पता है कि मैं आपका कॉल उठाता हूँ या नहीं उठाता हूँ ओके हाँ मैसेज करते हैं बच्चे वो बहुत अच्छी चीज़ है कुछ बच्चे होमवर्क भी करते हैं होमवर्क करके भेजते हैं जो क्या है और भी अच्छी चीज़ है तो एक छोटा सा ऐसे गीत जैसा मतलब वो जैसा याद आ रहा है मेरे को एक पोएम है कुमार विश्वास सर की बड़ी अच्छी पोएम है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब किसी का मैसेज आता है या फिर कॉल आता है तो मतलब कैसा फ़ील होता है तो सुनाऊँ आपको मैं एक कुछ जैसे लिखा है उन्होंने कि अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में पलों को काट दिन दिन को काट जीना महीने में महज खामोशियाँ जगती हैं आप किसी भी आहट पर हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर अचानक सब की सब चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं सारी ख्वाहिशें हाथ में आ जाने को मचली हैं मेरे कमरे के सन्नाटे ने एक अंगड़ाई सी तोड़ी है मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है तुम्हारा कॉल आया है तुम्हारा कॉल आया है या तुम्हारा फ़ोन आया है तुम्हारा फ़ोन आया है या फिर तुम्हारा मैसेज आया है तुम्हारा मैसेज आया है मतलब आप जब मैसेज करते हैं या आप जब आप क्वेश्चन पूछते हैं आपको डाउट होता है तो मेरे अंदर ऐसी फील होती है कि मतलब यस एक बच्चे ने मेरा वीडियो देखा है और उसने अपना दिमाग यूज किया है और दिमाग यूज करने के बाद उसके अंदर एक डाउट आया है और उस डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे पास आया है तो मैं अपना 100 परसेंट दूँगा उसके डाउट को क्लियर करने के लिए ठीक है तो इस तरीके से आप साथ बनाए रखें और इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहिए और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ तब चले तो थैंक यू धन्यवाद